अगले 5 साल सबको भूल गए। मम्मी पापा को तो मैं हमेशा याद करने के लिए कहता हूं, लेकिन सारी दुनियादारी भूल के और बेटा अपनी तपस्या में लग जाना है। अगर आप जो मैंने बताया ना चीजें जीवन में देखना नहीं चाहते, बादशाह की तरह रहना चाहते, अपने बच्चों से गर्व करवाना चाहते, परिवार से गर्व करवाना चाहते, पापा से, मम्मा से, ताऊ से, सबसे फक्र करवाना चाहते हैं ना, तो ये वो समय है तपस्या करने का। बहुत ही भयंकर तरीके से लग जाओ बेटा, बहुत ही तगड़े तरीके से लग जाओ। समय की भरपाई नहीं दुनिया में, हर चीज की भरपाई हो जाती है, समय की भरपाई कभी नहीं होती। समय जो समय चक्र के साथ चलने लग गया ना बेटा, उसको हराने वाला धरती पे पैदा नहीं हुआ है। काल चक्र बेटा ये घूमता यूं, किसी ने सही टाइम पे इसमें पैर डाल के उसके साथ घूमना शुरू कर दिया ना, ही विल बी द चैंपियन ऑफ द सम टाइम। और अगर 3 राउंड निकल गए, 4 राउंड निकल गए, फिर आपने पकड़ा उसको, तो वो जो पहले चार राउंड निकल गए ना, वो उसकी भरपाई नहीं दुनिया, उसकी भरपाई नहीं बेटा। वो 4 राउंड निकल गए ना, जिन लोगों ने उस 4 शुरू के राउंड में पकड़ लिया, वो आपसे ज्यादा आगे हो। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छों को दिखा देता है उनकी औकात। सुना सुना लग रहा है डायलॉग? समय वो चीज है भाई, कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, बीच का कुछ समय धरती पर बिताना है। सुना सुना लग रहा है डायलॉग? कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, बीच का कुछ समय इस धरती रूपी टापू पर बिताना है। हम लोग मुसाफिर है बेटा, हम परमानेंट रहने के लिए नहीं आए इस धरती पे, स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आए, हम तो मुसाफिर है, कुछ समय के लिए रहने आए। तो कहीं से आए हैं, कहीं जाना है, बीच का कुछ समय धरती रूपी टापू पर बिताना है। लेकिन जो समय इस धरती रूपी टापू पर बिताना है, उसको दुनिया के लिए मिसाल बनाना है। जो समय धरती रूपी टापू पर बिताना है, उसको दुनिया के लिए मिसाल बनाना है। कुछ अच्छा करके जाना है बेटा, कुछ बेहतरीन करके जाना है, बहुत गजब करके जाना है। हर कोई आप जैसा बनने के बारे में सोचे, ऐसा इतिहास रच के जाना है बेटा। सारी शक्तियां आपके अंदर बेटा, कोई चमत्कार की उम्मीद मत करना कि अब कोई बिजली गिरेगी, दिमाग के ऊपर दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। उस परमपिता परमेश्वर ने दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें आपके अंदर फिट की है बेटा। यू हैव द मोस्ट प्रीसियस ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे कीमती चीज आपके पास है आपका ब्रेन। ब्रेन वो वाली मशीन होती है बेटा जो कभी यूज करने से घिसती नहीं है। मैं कल परसों किसी क्लास में कह रहा था कि साइकिल ज्यादा चलाने पे उसमें वियरिंग एंड टियरिंग आ जाता है, घिस जाती है, चक्का चेन में आवाज आने लग जाती है, बोल्ट वगैरह नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, है ना, ग्रीस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उसका पेडल खराब हो जाता है, कभी हैंडल में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जितना ज्यादा यूज करते हैं खराब हो जाती है। जितनी ज्यादा किसी गाड़ी को चलाते हैं, उतना ही उसमें वियरिंग एंड टियरिंग आता है। हम किसी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, ज्यादा चलाने से, ज्यादा यूज करने से वो घिस जाती है, उसके बेयरिंग में आवाज आने लग जाती है, टायर जो है ना बेटा वो इधर उधर होने लग जाते हैं, रिम में प्रॉब्लम आ जाती है, स्टेयरिंग स्लो ढीला ढीला हो जाता है ज्यादा यूज करने से। कोई मशीन हो दुनिया की, आप अगर चारा काटने की मशीन है उसको भी ज्यादा यूज करते हैं तो उसके भी जो गंडास कहते हैं जिनको, खराब हो जाते हैं, बोल्ट ढीले हो जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ब्रेन दुनिया का ऐसा मशीन है बेटा, 96% लोग भेड़ों जैसी जिंदगी जीते हैं, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, दिमाग का किसी चीज को लेके खुद का कोई विचार नहीं होता है, किसी चीज के बारे में वो 5 मिनट बोल नहीं सकते, क्योंकि वो वही करते हैं जो बाकी दुनिया कर रही होती है, वो वही करते हैं जो सारी दुनिया कर रही होती है। वो एक क्लास में एक बच्चा आवाज कर रहा होता है, बाकी बच्चे भी आवाज करने लग जाते हैं, वो सीप कैटेगरी है, भेड़ कैटेगरी में आता हुआ। एक बच्चा लिख रहा है उसको देख के दूसरा लिखने लग जाता है, या एक बच्चा नहीं लिख रहा है उसको देख के दूसरा बच्चा भी नहीं लिख रहा है। एक हॉस्टल में एक बच्चा आवाज कर रहा है उसको देख के बाकी बच्चे आवाज कर रहे हैं, ये भेड़ वाला कैटेगरी है बेटा। इससे बाहर निकालो अपने आप, जरूरी नहीं वो साथ में बैठा हुआ बच्चा जो आवाज कर रहा है वो सही कर रहा है। जब हमें तो लोग अपने विचार हमारे ऊपर थोपते हैं बेटा, हम अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पाते। सरकार ने मान लो कोई, जैसे आज कुछ एक्ट नए लाए, कुछ एक्ट में चेंज हुआ है ना, कुछ अपराध की जो धाराएं ना उसमें चेंज हुआ है बेटा, बहुत सारी धाराएं बदली है। अब आपको पूछे भाई वो धाराएं कैसी है, तो आप केवल वही बताएंगे जो आपने किसी से सुनी है या कहीं पढ़ी है, बोला ये ठीक है ये सही है,
ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, केवल वही बताएंगे जो किसी से सुना है आपने या कहीं पढ़ा है। अपने खुद के विचार जो है बेटा वो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल करते नहीं दिमाग का। हम तो पूछते हैं, अच्छा जी आप बताओ ये जो सरकार ने जो अभी नई धारा लागू की है उसके बारे में आपके क्या ख्याल है, तो उसने कहा ये ठीक है पर थोड़ी ये कमी है। फिर आप दूसरे से मिलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ठीक है पर थोड़ी सी ये कमी है, यही बोलेंगे। दादा वो तेरे से इंटेलिजेंट कब से हो गया जो तेरे को बता रहा है कि ठीक है पर ये कमी है? तू बता पूरी दुनिया को कि ये बातें इसमें ठीक है, ये बातें बहुत अच्छी है, इन बातों में थोड़ा सुधार होना चाहिए। खुद यूज कर अपने दिमाग, भेंट चाल नहीं चलना है, किसी और की बोली बात को नहीं बोलना है, अपने खुद की क्रिएटिविटी लानी है। खुद का जो है ना बेटा अपने दिमाग को उस लेवल पे लेके आओ कि दिमाग खुद ही अपने आप ही सोचना शुरू कर दे किसी चीज के बारे में। और मैक्सिमम लोग ना, कई बार मैंने कहा है 4% 5% कहा क्या, यही है 4% 5% ही माइंड का यूज होता है, बाकी तो ऐसे पैकिंग का पैकिंग ही वापस चला जाता है। शमशान में जाते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कोई कहता है भला है, कोई कहता है बुरा था, कोई कहता है ये था, कोई कहता है चला गया तो ठीक है, कोई कहता है नहीं यार ये आदमी अच्छा था, है ना। कोई कहां ध्यान होता है, मुझे बहुत कम जाने का मौका मिला है, लेकिन जब मैं जाता हूं ना तो जिस समय वो कपाल क्रिया हो रही होती है ना, कपाल क्रिया होती है मतलब सिर फूट फूटता है, उसके ऊपर कभी घी डालते अपने आप ही वो सिर फूट जाता है बेटा उस मुर्दे का, जब वो जल रहा होता है ना, बच्चियां तो कभी गई भी नहीं होगी शमशान में, एक कपाल क्रिया होती है बेटा। कपाल क्रिया में क्या करते हैं, जब डेड बॉडी जल रही होती है तो एक लकड़ी पे बांध के आगे चम्मच सा और उसके ऊपर घी डालते हैं यहां पर, तो अपने आप ही खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है। कभी कभी अपने आप नहीं खुलता तो लठ मार के खोलते हैं उसको, मतलब लकड़ी से खोलते हैं उसको, तो वो जब खुलता है ना तो मैं तो एक ही चीज देखता हूं कि दिमाग का कितना इस्तेमाल किया। तो जिनके गया हूं मैं 3 या 4 बार ही गया हूं, है ना, ज्यादातर लोग मुझे ऐसे ही मिले जिन्होंने अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल, तो एक आधे को छोड़ के बाकी इस्तेमाल नहीं करते बेटा। वो ऐसे कैसे जैसे आता है ना वैसे के वैसे, जैसे कोई सिलाई की मशीन मंगवाई और उसकी पूरी पैकिंग भी नहीं तोड़ी, बस 1-2 बार उसको उस जो पॉलीथीन थी ना लगी हुई ऊपर पैकिंग ऐसे चला के एक आधा कोई टांका दिया ऐसे कैसे रखी पड़ी, वैसे के वैसे दिमाग को वापस ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। उस परमपिता परमेश्वर ने दुनिया का सबसे बड़ा बेजा आपको देकर भेजा है, दुनिया का सबसे बेहतरीन भेजा देकर भेजा है, इसको बहुत यूज करो बेटा। खूब क्वेश्चन पूछो सर से, प्रतिज्ञा कर लो उस वर्ड उस आखिरी लाइन तक लड़ूंगा, चैप्टर की आखिरी लाइन तक लड़ूंगा जब तक मुझे वो समझ में नहीं आया। शपथ ले लो बेटा, शपथ ले लो आखिरी लाइन तक लड़ने वाला हूं, आखिरी इक्वेशन तक लड़ने वाला हूं, आखिरी रिएक्शन तक लड़ने वाला हूं, जब तक पेज का क्वेश्चन शुरू नहीं हो जाए तब तक हर लाइन से लड़ने वाला हूं, क्वेश्चन शुरू होने के बाद उन पीछे वाले क्वेश्चन से लड़ने वाला हूं, उसके बाद में दुनिया के जो बाकी क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं उनसे लड़ने वाला हूं, अच्छा करने वाला। एक बार करके तो देखो बेटा, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई भी काम दुनिया का मुश्किल नहीं होता है, बशर्ते कि वो एक बार शुरू हो जाए। रिपीट कर रहा हूं, लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है बशर्ते कि वो शुरू हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये जो हमारा जो ब्रेन है जिसके ऊपर जो है ना ऊपर का पार्ट बालों की वजह से काला है, नीचे जो है ना बेटा हार्ड मास का पुतला है, इसके सामने कोई काम मुश्किल नहीं। एक टांग कटी हुई बच्ची ना आर्टिफिशियल लेग लगा के कृत्रिम पैर लगा के एवरेस्ट पे चढ़ जाती, बोले तो अरुणिमा सिन्हा, बोले तो अरुणिमा सिन्हा। एक बस का कंडक्टर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, एक बस कंडक्टर ना बेटा, एक टीटी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, बस मतलब ट्रेन कंडक्टर कह दो उसको, बोले तो महेंद्र सिंह धोनी। एक गलियों में खेलने वाली लड़की ना दुनिया की बहुत बड़ी टेनिस स्टार बन जाती है, बोले तो सानिया
मिर्जा, एक बस कंडक्टर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाता है, सबसे बड़ा जो है ना हीरो बन जाता है, बोले तो रजनीकांत एक बस कंडक्टर का बेटा, एक गलियों में खेलने वाला लड़का क्रिकेट का गोड बन जाता है, बोले तो सचिन रमेश तेंदुलकर। हजार एग्जाम्पल मैंने तो चार ही बताया आपको। जब किसी बात के लिए दिमाग सटक जाता है ना बेटा, अथा माजी सटकली, तूफान आ जाता है बेटा जिंदगी में, पूरी पूरी दुनिया से अकेला आदमी बिट जाता है बेटा और जीत जाता है। पूरे 1,44,00,000,000 लोगों से एक आदमी बिट जाता है और जीत जाता है। इतना हौसला होता है, इतनी हिम्मत होती है इंसान के अंदर। लेकिन हम उसको बेटा फालतू की चीजों में गवा रहे होते, हम बातें करके उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते, हम मोबाइल लेके इंस्टाग्राम चला के, फेसबुक चला के, यूट्यूब चला के उस एनर्जी को बर्बाद कर रहे होते। फालतू में ना मोबाइल लेके पड़े रहते हैं, उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी को जाने नहीं दे रहे। बहुत एनर्जी होती है इंसान में, कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी एनर्जी अगर पहाड़ के ऊपर लगा दे है ना तो उसके छेद हो जाए पहाड़ में। कहते हैं अगर पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, बिजली में कन्वर्ट कर दे पूरी एनर्जी को, पूरी एटीपी इस बॉडी में जो होती है, तो कहते हैं एक बहुत बड़े शहर की कई दिन तक लाइट जल सकती है, इतनी एनर्जी हमारे अंदर भरी पड़ी है। लेकिन वो जा रही है, उसको जाने नहीं दे रहा।